Hey everyone Assalamualaikum, this is mahakul a first year mbbs student so today i'll discuss about some most common mistakes that most of the students do while doing MDK. so do watch this video completely if you want to know those mistakes but before starting the video i'm requesting you to please subscribe this channel and like this video because only when you like any video then that video will be received by other students so do more and more thumbs up सो द मिस्टेक नंबर वन इज डैट स्टूडेंट्स डोंट अरेंज यर टाइम टेबल अकॉर्डिंग टू द सलेबस एज यू नो गाइज के पी एम डी सी अब आ चुकी है और आपकी एफ एस सी की बुक्स का जितना भी सिलेबस है आपकी प्रोविंस की बुक्स का आपको वो कम्प्लीटली प्रपेयर करना होगा सो यू हैव टू मेक अ टाइम टेबल अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस टाइम टेबल ना बनाने से यू डोंट नो अबाउट द लिमिट ऑफ योर सलेबस मतलब आपको ये पता ही नहीं होगा कि आपका सिलेबस किस डेट तक कब तक कंप्लीट हो सकता है एंड यू डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट नेक्स्ट टास्क टू डू तो इतनी इंपॉर्टेंस टाइम टेबल को मैं इसलिए दे रही हूँ और सबसे मेन पॉइंट ही मैंने इसको बनाया है जब आपके पास टाइम टेबल होगा आपको पता होगा कि आपने ये टास्क इस दिन करना है और उससे अगला टास्क उसके अगले दिन करना है और जब आपको ये पता होगा तो आप उसे पूरी कोशिश करेंगे उस एक दिन में कंप्लीट करने की आई नो मोस्ट ऑफ़ द स्टूडेंट्स से एक ही दिन में वो पूरा टाइम टेबल फॉलो नहीं होता और मुझसे भी नहीं होता था लेकिन मैं कोशिश करती थी कि मैं उसे अप्रोच करूं उस टाइम टेबल को अप्रोच करूं भले ही मुझसे पूरा ना हो लेकिन मैं 95 फाइव परसेंट टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चलने की कोशिश करती थी आपको भी ऐसा ही करना चाहिए मिस्टेक नंबर टू ऑफ द स्टूडेंट्स डैट दे डू क्वांटिटेटिव स्टडी रैदर दैन क्वालिटेटिव स्टडी देखें क्वांटिटेटिव स्टडी से आपको बस ये सेटिस्फेक्शन हो सकती है कि हमारा सिलेबस इतना इतना इतनी बार कंप्लीट हो चुका है बट आपको अंदाज़ा नहीं होता कि आप क्वालिटी स्टडी नहीं कर रहे जब तक आप क्वालिटी स्टडी नहीं करते तो आप के कॉन्प्ट जो होते हैं ना वो अच्छे से स्ट्रॉगली बिल्डअप नहीं हो सकते सो so, आपकी जो प्रेफरेंस होनी चाहिए ना वो क्वालिटेटिव स्टडी पर होनी चाहिए जो स्टूडेंट्स तीन से चार बार अपना सिलेबस कंप्लीट कर चुके हों और आप अपनी क्वालिटेटिव स्टडी करके सिर्फ एक से दो बार कर चुके हों तो आप में और उनमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है और मैं आपको ही कहूँगी कि जिन्होंने क्वालिटेटिव स्टडी एक दो बार की होगी उन्हीं के कॉन्सेप्ट सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होंगे और वही आगे जाके अच्छे स्कोर कर सकते हैं दैट्स वाई कभी भी क्वान्टिटी पर डिपेंड नहीं करना ऑलवेज डू प्रिफेयर क्वालिटेटिव स्टडी ओके ये आपकी बहुत बड़ी मिस्टेक हो सकती है अगर आप सिर्फ और सिर्फ क्वान्टिटी पर डिपेंड करेंगे मिस्टेक नंबर थ्री ऑफ द स्टूडेंट्स दैट डे डू पैसिव लर्निंग इंस्टेड ऑफ एक्टिव लर्निंग नाउ द क्वेश्चन इज वॉट इज पैसिव एंड एक्टिव लर्निंग तो मैं आपको बता दूँगी पैसिव लर्निंग जस्ट वो होती है जिसमें स्टूडेंट लेक्चर्स uh, को अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी को स्ट्रॉन्ग कर रहे होते हैं और उन पर जब इम्प्लीमेंट नहीं करते तो वो आ जाता है पैसिव लर्निंग में एक्टिव लर्निंग में क्या होता है कि आप जो लेक्चर अंडरस्टैंड करें उसके बाद उस पर इंप्लीमेंट भी करें आप उसके कुछ एम प्रैक्टिस वगैरह भी करें इससे ये होता है कि आपकी प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉग होती है मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो पैसिव लर्निंग करते हैं और समझते हैं कि हमें सब कुछ आ गया और वो उसके दो से तीन चार बार रिविजन्स भी लेते हैं और लेकिन उसके एमसीक्यूज सॉल्व नहीं करते and as you know, आपका पेपर किस बेस पर होगा आपका होगा so उसके लिए आपको active learning करनी होती होती है है में आप आप पूरे 360 डिग्री पर उस चीज़ को देखते हैं कि जो आपने पढ़ी अब आप उसको इंप्लीमेंट कैसे कर सकते हो इन शॉर्ट आपको अगर मैं इजी वर्ड्स में समझाऊं तो आपने क्या करना है यू जस्ट है आपने सिर्फ उस ले लेक्चर को समझने के बाद उसके एम करने हैं और ऐसा हर बार करना होगा जो भी आप लेक्चर समझो जिस भी टॉपिक को समझो उस टॉपिक से रिलेटेड आपने लाजमी एम करने हैं वरना यू you नो know, आपको एंड में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है

इन्हें अवॉइड करें नहीं लें इस टाइप की बुक्स क्योंकि पता नहीं वो किन पब्लिशर्स की होती है कौन से ऑथर्स की होती है आप पहले सबसे पहले अपने सीनियर से पूछें कि ये बुक अच्छी है या नहीं तब ही आप उसे लें वरना नहीं लें क्योंकि इस टाइप की बुक्स में बहुत ही लो स्टैंडर्ड एम होते हैं इसमें कोई भी हाई स्टैंडर्ड एम नहीं होते हैं और आपको अपनी प्रैक्टिस के लिए हाई स्टैंडर्ड एम की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होता है दैट्स वाई आई रिकमेंड यू टू फॉलो ओनली ऑन ऑथेंटिक वेबसाइट्स और बुक्स जिसको मैं ऑलरेडी मैंशन कर चुकी हूँ एक वेबसाइट है जिसका नाम प्रीमेड है It is one of the best websites where you can practice MCQs of MDK and where you can find past papers of different exam conducting bodies. फ़र्दर मोर यू कैन प्रैक्टिस फ्राम किप्स किप्स के एम सी क्यूज़ बहुत बहुत हाई स्टैंडर्ड एम सी क्यूज़ होते हैं बहुत अच्छे एम सी क्यूज़ होते हैं आप उनके भी प्रैक्टिस करें अगर कोई उन्हें हार्ड फॉर्म में ले सकता है तो प्लीज़ हार्ड फॉर्म में ले उसकी प्रैक्टिस करें अगर वो हार्ड फॉर्म में कोई नहीं ले सकता दैन डू डाउनलोड दियोर पी डी एफ़ आप उनके पी डी एफ़ पर उसके एम सी क्यूज़ की प्रैक्टिस करें और इसके साथ साथ स्टेप्स के एम सी क्यूज़ सोल्व करें स्टार्स अकेडमी के एम सी क्यूज सोल्व करें ये बहुत ही ऑथेंटिक मैंने आपको सोर्सेज बता दिए हैं एम सी क्यूज़ प्रैक् के लिए लेकिन मोस्ट प्रेफरेबली मैं आपको कहूंगी कि आप किप्स को और प्रीमेड को फॉलो करो बट फॉर सिंध स्टूडेंट्स अगर आप प्रीमेड के साथ साथ किप्स को फॉलो नहीं करें तो आप अनीस हुसैन की बुकलेट को फॉलो करें वहां पर बहुत अच्छे आपके प्रोविंस के लिहाज से एमसी क्यूज आपको मिल जाएंगे किप्स में मोस्टली uh, uh, किप्स की जो बुक्स होती हैं उसमें फेडरल और पंजाब के एमसी क्यूज होते हैं और इसके अलावा अनीस हुसैन में जो होगा ना आपकी बुक से रिलेटेड बहुत सारे एमसी क्यूज मिल सकते हैं सो फॉर सिंध स्टूडेंट डू फॉलो प्री made along with booklet of Anisusan. Mistake number five. दे डोंट prefer their ओन बुक but अदर बुक्स यू नो know पी एम डी सी एग्ज़ाम कंडक्ट करेगी तो सबसे पहले आपका फोकस अपनी बुक्स पर होना चाहिए जो कि आपने ऑलरेडी एफ एस सी में पढ़ी होती हैं उन पर सबसे ज़्यादा आपकी ग्रिप होनी चाहिए उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप फेडरल पर जाए वरना वहाँ पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज इस साल आपका जो एग्ज़ाम कंडक्ट होगा वो पी एम डी सी करेगी एंड पी एम डी सी की पॉलिसी है कि वो प्रोवेंशियल लेवल पर कंडक्ट होता है वाई आप बस अपनी बुक्स पर फोकस स्ट रहें और वहीं से अपनी प्रिपरेशन करें एंड फॉर एम सी यू जस्ट हैव टू डू वट आई हैव जस्ट मैंशन मिस्टेक नंबर सिक्स दे डोंट मेक यर ऑन हैंड रिइटन नोट्स रिमेंबर डैट हैंड रिटन नोट्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं क्योंकि जो विजुअल स्टडी होती है ना वो हमें हमेशा याद रहती है तो जो आपके हाथ से लिखी हुई चीज़ होती है ना वो कभी भूलती नहीं है मैंने खुद अपनी एम डी के जर्नी में ये चीज़ फ़ेस की थी जब मैं अपने हैंड रिटन नोट्स नहीं बनाती थी मुझे चीज़ें भूल जाती थीं डेट्स वाई आई रिकमेंड यू टू मेक योर नोट्स बाई योर हैंड मिस्टेक नंबर सेवन इज डैट दी स्किप दियर टेस्ट सेशन्स टेस्ट सेशन्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं बिकॉज इससे आपकी प्रोग्रेस के बारे में आपको पता चलता है कि आप कितने पानी में हैं और कितने में नहीं डैट्स वे प्लीज़ कभी भी अपने टेस्ट सेशन को तो स्किप ना किया करें एटलीस्ट मिस्टेक नंबर एट ऑफ दो स्टूडेंट्स जो अटैम्प्ट करते हैं टेस्ट सेशन को लेकिन अटैम्प करने के बाद वो जो मिस्टेक्स करते हैं उन्हें राइट डाउन नहीं करते जिसकी वजह से वो नेक्स्ट टाइम वही मिस्टेक वापस से कर रहे होते हैं इसीलिए आपको चाहिए जब भी आप कोई टेस्ट सेशन अटैम्प्ट करें और उसमें जो भी मिस्टेक करें उसे कहीं पर लिख लिया करें कहीं पर लिखने से मुराद ऐसी जगह पर लिखें जहाँ पर आप उसे बार बार रिविजन उसका रिविज़न कर सकें ठीक है रिविजन करने से आप वो मिस्टेक आइंदा नहीं करेंगे दैट्स वाई रिकमेंड यू टू राइट डाउन योर मिस्टेक्स मिस्टेक नंबर नाइन ऑफ द स्टूडेंट इज डेट द वेस्ट योर टाइम इन डूइंग आई एम सिक्यूर्स फ्रॉम डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक फेसबुक इंस्टाग्राम एक्सेट्रा अब अगर आप इस टाइप के स्टूडेंट हैं जो डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर डिफरेंट एम देखने के बाद डिस्ट्रैक्ट नहीं होते दन कोई मसला नहीं आपके लिए लेकिन मेजोटी ऑफ द स्टूडेंट के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि अगर वो कोई ऐसा एम देख लें जो उन्होंने कभी पढ़ा भी नहीं है उसे देख उनका मॉरल डाउन हो जाता है और वो डिस्ट्रैक्शन का शिकार हो जाते हैं ठीक है वे सोचते हैं कि हमें कुछ भी नहीं आता दैट्स वाई आई सजेस्ट यू टू स्टे अवे फ्रॉम दीज टाइप ऑफ एप्लीकेशन इसके अलावा यू नो कि फेसबुक इंस्टाग्राम डिस्ट्रैक्शन के सबसे बड़ी ऐप्स तो यही हैं तो इनसे जितना हो सके आप दूर रहें और अपनी पढ़ाई पर फोकस करें मिस्टेक नंबर टेन इज़ डैट स्टूडेंट्स एफ एस सी और एम डी केट में डिस्टिंगश नहीं कर पाते कि इन दोनों में जो मेन डिफरेंस है वो क्या है देखिए जो एफ एस सी होती है ना वो आपकी थियरटिकल बेस होती है और उसमें आपको सीखना होता है सब कुछ कि हर टॉपिक क्या बता रहा है आपको और फिर उसको आपने एम डी केट पर इम्प्लीमेंट करना होता है उसमें आपको उसकी प्रैक्टिस करनी होती है तो मोस्टली स्टूडेंट्स क्या कर रहे होते हैं वो जस्ट रट्टा वाइज उसे पढ़ रहे होते हैं जबकि एम डी केट के लिए आपको थ्री सिक्सटी डिग्री पर कॉन्सेप्चुअली हर चीज़ को समझना है और येस कुछ चीज़ें रट्टाफिकेशन वाली भी होती हैं तो उन्हें जैसे कि बायोलॉजी आप उठा लो और इसके अलावा केमिस्ट्री में भी आप देख लें कितनी ज़्यादा एक्सेप्शन होती हैं जिन्हें याद करना होता है तो याद करने की चीज़ें तो होती ही हैं लेकिन कॉन्सेपचुअल बेस पर भी होती हैं और एफ में हम चीज़ों को जैसे थियोरिटिकल बेस में पढ़ते हैं ना एम डी गेट में हम उसको डीपली पढ़ते हैं तो ये डिफरेंस आपको बहुत बहुत ज़रूरी है कि पता होना चाहिए अब जो स्टूडेंट्स सेकेंड ईयर या फर्स्ट ईयर में हैं उन्हें चाहिए कि वो उस वक्त फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में रहते हुई अपनी तैयारी इस तरीके से करें आप की जैसे वो एम डी की तैयारी कर रहे हैं इससे ये होता है कि उसी वक्त जब आप कोई टॉपिक पढ़ रहे होते हो उसे इतना डीपली पढ़ लिया करो कि एम डी में फिर आपको इतनी मुश्किल नहीं हो क्योंकि एम डी में आपके पास इतना टाइम नहीं होता जस्ट विद इन टू मंथ्स आपको सारी प्रपरेशन करनी होती है सो डैट्स वाई जो स्टूडेंट्स अभी सेकेंड ईयर में हैं अपनी प्रपरीशन ऐसी रखें कि जैसे आप एम डी की प्रपरेशन कर रहे हैं Now the mistake number 11 which should be said that the biggest mistake ever that they don't do revisions trust me if you don't do revisions you will get yourself in trouble सो so, आपको क्या करना चाहिए आप जब कोई टॉपिक कंप्लीट करो उसका रिवीजन लाजमी करो रिवीजन नहीं करोगे आगे बढ़ते जाओगे देन यू विल फॉरगेट योर प्रीवियस टॉपिक आपको कुछ भी नहीं याद रहेगा आपने पीछे क्या पढ़ा है? और जब आप पीछे खोल के देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि अरे ये भी हमने पढ़ा था ये भी कोई चीज़ थी तो इस तरीके के हालात पैदा ना हो डैट्स व आपको चाहिए कि आप रिविज़न साथ करते जाएँ मिस्टेक नंबर ट्वेल्व ऑफ द स्टूडेंट इज़ डेट दे बिकम ओवर कॉन्फिडेंट रिमेंबर डैट ओवर कॉन्फिडेंस आपको डुबा सकता है सिर्फ कॉन्फिडेंस जो होता है ना वो होना चाहिए आपको खुद पर बिलीव होना चाहिए कि आप कर सकते हैं यू विल क्रैक एम डिकेट बट इतना ओवर कॉन्फिडेंट हो जाना कि ये तो मेरे बाएँ हाथ का खेल है डैट नॉट हालसम फॉर यू बिकॉज दिस इज़ एम डिकेट नॉट अ फन बहुत बड़ा कॉम्पिटिशन होता है एम का यू डोंट हैव एन आइडिया अबाउट इट डेट्स वाई मैं आपको ऑनेस्टली कह रही हूँ कि आप अपने कॉन्फिडेंस में रहें आप बस ये सोचें कि मैंने इसे क्रैक करना है और इतनी प्रैक्टिस करें इतनी अच्छी प्रिपरेशन करें कि आप अपने पेरेंट्स को एंड में प्राउड फील करवाएं लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंड अ बोनस स्टेप टू अवॉइड ऑल द टॉक्सिक पीपल एंड यू ग्रुप स्टडीज विद द फ्रेंड्स ऑफ यूर टाइप मतलब आपका जो फ्रेंड सर्कल होना चाहिए ना वो ऐसा ही, ही हो जो एम डी केट की स्टडी करता हो जो आप जैसी पढ़ाई करता हो अगर आपका फ्रेंड सर्कल अच्छा नहीं है मतलब आपके वैसे फ्रेंड्स नहीं हैं जो पढ़ाई करते हो अगर आपके इस टाइप के फ्रेंड्स हैं जो बस हैंंग आउट्स और इन्जॉयमेंट वगैरह पर ज़्यादा फोकस करते हैं तो इस टाइम के लिए तो जस्ट आप उन्हें अवॉइड कर दें प्लीज़ और जस्ट अपनी स्टडीज़ पर फोकस करें ऐसे फ्रेंड्स बनाएं जो एम डी केट की स्टडी करते हों उनसे आपको डिफरेंट आइडियाज़ भी मिलते रहेंगे और आप एक दूसरे से कनेक्ट रहें डूइंग स्टडीज और इस तरह आप डिस्ट्रैक्शंस को भी ओवरकम कर लेंगे द एंड ऑफ द वीडियो एंड लास्टली आई वुड लाइक टू से लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो थैंक्स फॉर वाचिंग